नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। अभी अभी जो खबर हम आपके सामने लेकर के हाजिर हुए हैं वो खबर निश्चित रूप से आपको भी चौंकाने वाली है, और निश्चित रूप से इस खबर को लेकर के आप इस कोरोना महामारी के बीच में ये बात समझ जाएंगे कि कितना जरूरी और बिहार के लोगों के लिए राजनीति का उठना बैठना ओढ़ना बिछौना होता है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुने हैं कि जीतन राम मांझी और श्याम रजक मिले हैं। अब जीतन राम और श्याम रजक के मुलाकात को लेकर के बिहार की राजनीति में एक बार फिर से चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। ये चर्चा का बाजार क्यों गर्म है हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले श्याम रजक ने मीटिंग से बाहर निकलने के बाद चिट्ठी की चर्चा की और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वो नीतीश कुमार जी को भी चिट्ठी लिखेंगे और इसके साथ साथ वो एक चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को भी पुनः लिखेंगे। इससे पहले उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है। आपको बता दें कि ये बैठक सिर्फ श्याम रजक और जीतन राम मांझी के साथ ही नहीं हुई थी, बल्कि इसमें और भी कई दल के दलित नेता शामिल हुए थे। ये बैठक आरक्षण को लेकर के हुई थी। आरक्षण को लेकर के जिस तरह का माहौल बना हुआ है, उस माहौल में श्याम रजक ने स्पष्ट रूप से कहा कि कहीं ना कहीं अब लोगों में चिंताएं बढ़ने लगी हैं, खास करके ये समाज जिन्हें आरक्षण प्राप्त है और संविधान से बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें ये विशेषाधिकार दिया था हमें मुख्य धारा में लाने के लिए, उस पर अब ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह की बातें और चर्चाएं हो रही हैं उससे ये समाज पूरी तरह से चिंतित नजर आ रहा है, और इस चिंताओं को दूर करना भी बहुत जरूरी है। चिंताओं को दूर करने में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों की भूमिका अहम होगी। इसलिए मैं पुनः आग्रह करूंगा और चिट्ठी भी दोनों को लिखूंगा कि आरक्षण के साथ कोई भी छेड़छाड़ न किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसे 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए भी मैंने आग्रह किया था, चिट्ठी भी लिखा था और प्रधानमंत्री जी से विशेष आग्रह भी हमने किया था, लेकिन अब तक ये संभव नहीं हुआ है और न अभी वर्तमान में यह संभव लग रहा है, क्योंकि संविधान और अन्य बातों को लेकर के कानून में परिवर्तन करने को लेकर के सदन का होना जरूरी है, लेकिन सदन की कार्यवाही स्थगित है इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है। पर मेरा आग्रह होगा कि इस पूरे मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन पर यह देश पूरी तरह से भरोसा करता है, विश्वास करता है, उन्हें आगे आकर के इस पूरे मामले पर एक वक्तव्य जारी करना चाहिए। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इस बीच में जीतन राम मांझी ने भी कहा कि आरक्षण हमारी जीवन शैली का हिस्सा हो गया है, जिसके साथ कोई छेड़छाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप समझ सकते हैं कि आरक्षण को लेकर के इस देश में जिस तरह का बवेला मचा हुआ है, पिछले 7 दशक से जिस तरह की स्थितियां पैदा हो गई हैं, आप समझ सकते हैं कि आरक्षण बहुत बड़ा इस देश के लिए या तो जीवनदायिनी इसको कह सकते हैं या फिर राजनीति का एक बहुत बड़ा हथकंडा है जिसे राजनीतिक लोग अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। कोरोना जैसी महामारी के समय में भी अगर आरक्षण की बात हो रही हो और इसके लिए सर्वदलीय बैठक की जा रही हो तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में राजनीति कितने चरम पर रहती है। बार बार हम रिपीट करते हैं कि आरक्षण को लेकर के और इसको लेकर दो वर्गों में, खास करके उच्च वर्ग और जो वर्ग आरक्षण से वंचित है, वो लगातार इस पर हमला करता रहा है। इन सब बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी कई बार संदेह के घेरे में रही है। आपको याद होगा 2015 का चुनाव, जबकि लालू प्रसाद ने इस आरक्षण के मुद्दे को मुख्य मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी को धराशायी कर दिया था। उस समय आपको याद होगा कि नीतीश कुमार भी उनके साथ थे। अब स्थितियां बदल गई हैं, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार एक साथ हैं और आरक्षण का ये गेम चेंजर जो बात लेकर के सामने आए हैं सर्वदलीय बैठक में, इसका परिणाम क्या होता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के लोगों को संतुष्ट करते हैं या अपना वक्तव्य जारी करते हैं कि वो आरक्षण जैसी विषय को 9वीं अनुसूची में शामिल करेंगे। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।